डीएम करते हैं बट लीड्स रिप्लाई नहीं करती, हम ऐसा क्या करें कि लीड्स हमारे भी डीएम का रिप्लाई करे। गाइस ये क्वेरीज, ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी मेंबर्स ने पूछा है कि मैम प्लीज़ आप इसका हमें सॉल्यूशन बता दीजिए। हम भर भर के डीएम्स करते हैं बट हमारे पास कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, हमको कोई रिप्लाई नहीं करता। हम रिप्लाई नहीं करेगा तो कन्वर्जन नहीं निकलेगा, कन्वर्जन नहीं निकलेगा तो पैसे कैसे आएंगे, सिंपल सी बात है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम भी अगर सामने वाले को डीएम करें तो वो हमारे डीएम का रिप्लाई भी करे और रिप्लाई करने के बाद में हमारे साथ वर्क भी स्टार्ट करे। गाइस आई प्रॉमिस, मैंने खुद ने डीएम मार्केटिंग से बहुत अच्छा कन्वर्जन निकाला है और आई प्रॉमिस आप भी निकाल सकते हो। बट मैं आपको आज जो स्टेप्स बताऊँ ना, जस्ट फॉलो देम। अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया, मैं आपसे वादा करती हूँ बहुत तगड़ा कन्वर्जन थ्रू द डीएम मार्केटिंग आप जनरेट करने वाले हो। अभी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, मेंटर का सपोर्ट नहीं है, कंपनी का सपोर्ट नहीं है, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा, मुझे व्हाट्सएप पे जाओ। आपकी जो भी दिक्कत आ रही है ना एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने के रिगार्डिंग, मेरे को व्हाट्सएप पे पूछो, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगी कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छे खासे लेवल पे जा सकते हो, महीने का 1 लाख 2 लाख इवन 5 लाख तक इजीली से कैसे जनरेट कर सकते हो। मैंने खुद ने एफिलिएट मार्केटिंग में 75 लाख प्लस क्रॉस किया है, मैंने कैसे किया, आप कैसे कर सकते हो, पूरा रोड मैप मैं आपको पर्सनली दे सकती हूँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, डीएम मार्केटिंग करते टाइम पे अपन को 3 चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना होता है। दो कौन कौन सी है पहले उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम डीएम कर किसको रहे हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा वीडियोस में कि आप इस लोकेशन को टारगेट करो, आप इस लोकेशन को टारगेट करो, आप इस लोकेशन को टारगेट करो, यहाँ की ऑडियंस बहुत प्रीमियम है। बट एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरीके से आप उस लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, क्या लगता है उस लोकेशन को कोई और टारगेट नहीं कर रहा होगा। आप जिस मेंबर को मैसेज कर रहे हो, क्या लगता है उस मेंबर को कोई और मैसेज नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा, डेफिनेटली कर रहा होगा। आज के टाइम पे एफिलिएट ज़्यादा हो गए हैं, करने वाले कम हो गए, समझने की कोशिश करना। तो आपको ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो सच में क्वालिटी की हो और प्रीमियम ऑडियंस हो, पहला। और दूसरा, आपको डीएम करना क्या है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई, बहुत बड़ा। मैंने बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स को देखा है, वो क्या करते हैं, लाइक इतना बड़ा पैसेज बना के सेंड करते हैं ना भाई, मेरे पास खुद के पास आते हैं। देखो कोई भी चीज़ आप करते हो ना, उसको खुद पे लेके देखा करो कि अगर सामने वाले पर्सन की जगह पे मैं हूँ और मेरे को कोई ऐसे अननोन मैसेज करेगा तो क्या मैं इस तरीके से इतना बड़ा पैसेज रीड आउट करूंगा। देन आंसर इज नो। आज के टाइम पे कोई भी इतना सीरियस नहीं है, इतना कोई पढ़ना नहीं चाहता है। बट हाँ, कुछ ऐसा आप करो जिससे सामने वाला पर्सन आपके डीएम को देखे भी और रिप्लाई भी करे और आपके व्हाट्सएप पे भी नहीं आए। मैं आपको बोलूँ, मैंने खुद ने डीएम मार्केटिंग से बहुत लाखों में पैसा कमाया है, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजीज थी, मेरी क्या टिप्स थी, वो आज आपको इस वाले वीडियो में पता लगेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो आपके ऊपर इजीली से बिलीव कर ले, इजीली से बिलीव कर ले। और बिलीव दिलवाने की गाइस दो तरीके हैं। पहला बिलीव सिस्टम क्रिएट होता है आपकी प्रोफाइल से। काफ़ी लोग करते हैं डीएम मार्केटिंग, मैं देखती हूँ उनके प्रोफाइल पे ना, सच बताऊँ कुछ भी दम नहीं होता। आप सामने वाले पर्सन को मैसेज कर रहे हो भाई, आपकी आपका जजमेंट पता है कैसे होता है, आप की पहचान पता है किससे होती है, आप क्वालिटी के हो नहीं हो इससे पता है पहचान किससे होती है, पहचान होती है आपकी प्रोफाइल से। आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी बिल्ड होगी उतना ज़्यादा चांसेस है कि सामने वाला मैसेज पर्सन आपको रिप्लाई करेगा। मैं आपको बोलूँ, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्टिंग में करती थी ना, तो मैं जब स्टार्टिंग में करती थी मेरे को इतना डीएम मार्केटिंग से रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। बट अगर आज मैं डीएम किसी को करती हूँ ना, तुरंत रेस्पॉन्स मिलता है। वाई डीएम मार्केटिंग में जब हम किसी को डीएम करते हैं तो सामने वाला पर्सन हमको रिप्लाई देने से पहले हमारी प्रोफाइल को विजिट करता है। अगर प्रोफाइल में दम लगता है ना, 110% भाई रेस्पॉन्स आता है, मैं बोल रहा हूँ रेस्पॉन्स आता है, हमने रेस्पॉन्स निकाला है भाई, समझ में आ रही है। तो आपको अगर डीएम मार्केटिंग से रेस्पॉन्स निकाला, जस्ट फोकस टू बिल्ड योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, बिकॉज आपकी पहचान आपके अकाउंट से ही होगी। जैसे एक दुकानदार की पहचान उसकी दुकान से होती है, उसी तरीके से आपकी बिजनेस की पहचान आपकी प्रोफाइल से होती है। प्रोफाइल को बिल्ड करने पे फोकस करो, नंबर वन। नंबर सेकेंड कि हम दूसरा होता है ट्रस्ट बिल्डअप करवाने के लिए, हम ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें जो हम पे ईजिली से बिलीव कर ले, और वो है आपकी लोकल ऑडियंस। आपको क्या करना है, आप जिस भी एरिया से हो उसमें एकदम पास में नहीं, थोड़ा दूर में, बट हाँ आपके आसपास की लोकेशंस को टारगेट करो। मैं आपको बोलूँ, मैं एक्चुअली राजस्थान सीकर से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने क्या किया, सीकर में भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को, कोई फेमस लोकेशन जैसे एसके कॉलेज हो गया, कोई भी सिनेमा हॉल हो गया, मैंने उन लोकेशंस को टारगेट किया। ठीक है, उन लोकेशंस को टारगेट कैसे किया, कोई भी पर्सन वहाँ पर जाता है, फोटो क्लिक करता है, सोशल मीडिया पर डालता है, टैग कर देता है, हैशटैग लगा देता है, जिससे पता लग जाता है कि हाँ ये पर्सन यहाँ गया था, ऑब्वियसली वहाँ के लोकल, वहाँ का लोकल ही पर्सन है, सिंपल सी बात है। सेम उसी तरीके से मैंने सीकर के पास में पड़ता है जयपुर, तो जयपुर ऑडियंस को टारगेट किया। जब मैं उनको डीएम करती थी, डीएम करने के बाद में जब मैं उनसे पूछती थी कि आप कहाँ से हो, और मैं बताती थी कि मैं कहाँ से हूँ, तो एक
ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हाँ यार ये तो लोकल का ही है, लोकल का ही है। खुद पे लेके देखो ये चीज़, कोई पर्सन है आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है बट आपके लोकल का है, आप उसे बिलीव इजीली से कर लोगे। फिर है ना, मैं उससे ये भी पूछती हूँ कि बड़ी अच्छा आप जयपुर में कहाँ से, अच्छा अच्छा हाँ जानते हो जानते हो, पहचान गए पहचान गए। इस तरीके से सबसे पहले आपको सर्च बार में जाना है, अभी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। सर्च बार में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने से पहले आप यहाँ पे लोकेशन सर्च कर लो, जहाँ पे आपको सर्च करना है जयपुर, जयपुर ठीक है। मैं यहाँ पे गई प्लेसेस में, प्लेसेस में जाने के बाद में जयपुर राजस्थान ये मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद में देखो एक और चीज़ है, जयपुर में भी आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन को सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर, जयपुर पोलो ग्राउंड ठीक है, खाटू श्याम जयपुर, खाटू श्याम जयपुर राजस्थान। में खाटू श्याम वालों को भी टारगेट कर सकती हूँ जिन्होंने खाटू श्याम जी विजिट किया है या फिर खाटू श्याम जी घूमने आए हैं ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से लोगों को टारगेट कर सकती हूँ। जैसे लेट सपोज मैंने लड़की को मैसेज किया, लाइव आप देखना, लाइव प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ, इनको आपको मैसेज करना है। जैसे शीलू राजपूत करके है ये, मैंने इनको मैसेज किया। अब मैसेज किस तरीके से करना है ताकि सामने वाला आपको 110% रेस्पॉन्स करे, वो आप ध्यान से देखिएगा। इनका नाम है शीलू, हेलो SHEELU, हेलो शीलू SISTER सिस्टर ठीक है। और मैंने इनको साथ में ये वाला मुझे भेज दिया, ये आप चेक करिए यहाँ पे। देखो गाइस मैंने इस तरीके से इनको रेस्पॉन्स किया, इस तरीके से इनको मैसेज किया सॉरी। अब ऐसे अगर मैंने मैसेज किया ना तो ज़्यादा चांसेस है मैंने इनको सिस्टर वर्ड साथ में मेंशन किया। देखो इवन जब आप लड़कियों को मैसेज करते हो ना तो काफ़ी कम लड़की आपको रेस्पॉन्स करती है। रीज़न ये है उनके पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, ऐसे लड़कों के मैसेज आते हैं, लड़कियों के भी मैसेज आते हैं, फेक आईडी से मैसेज आते हैं तो वो रेस्पॉन्स नहीं करते। बट कुछ ऐसा मैसेज, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन में तो चला जाता है कि हाँ इस पर्सन ने हमको मैसेज किया है, तो कुछ ऐसा मैसेज आपको करना होगा जिससे सामने वाला पर्सन आपको रेस्पॉन्स करे। जैसे मैंने बोला हेलो शीलू सिस्टर, समझ में आ रही है, उसी तरीके से मैं सेकेंड वाले को मैसेज करूँगी। आपको लाइव करके दिखा रही हूँ पूरा। और हर किसी को मैसेज नहीं करना है, जो लगे प्रोफाइल थोड़ी अट्रैक्टिव लगे, थोड़ी हाँ प्रोफाइल के अंदर थोड़ी क्वालिटी लगे, उन्हीं को आपको मैसेज करना है। जैसे ये भी लड़की है ठीक है, शिवानी नाम है इनका। जैसे मैं इनको मैसेज करूँगी हेलो शिवानी सिस्टर, चलो मैं इनकी इस पर रिप्लाई कर देती हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना था, ये हो गया। अब सामने वाली पर्सन मुझे रेस्पॉन्स करेगी, हाँ बताइए क्या पूछना था, तो मैं उनको बोलूँगी आप करते क्या हो जान सकती हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा क्यों, या फिर बता सकता है कि हाँ मैं ये करता हूँ एक्चुअली मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये अब चीज़ें है ना, आपको ऑडियो नोट के थ्रू भेजना है, चैट करके नहीं। चैट करके बोलोगे तो सामने वाले पर्सन को आपकी, जब तक वो आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा ना, उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो ऑडियो के थ्रू आप बात करो। बात कैसे कि हेलो शिवानी मैं जान सकती हूँ कि आप कहाँ से हो बड़ी, या तो ये बोलेंगे क्यों आपको क्यों जानना है, या फिर ये बोलेंगे कि हाँ मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ बताइए। एक्चुअली मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्क करती हूँ जहाँ पर मैं वर्क करके डेली का अच्छा खासा इनकम जनरेट करती हूँ। अगर शिवानी आप भी चाहो ना तो आप भी मेरे साथ वर्क करके बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। बट हाँ ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, नहीं। आप पहले मेरे हाईलाइट वगैरह विजिट करना, अगर आपको लगे जेन्युइन है तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो। देखो आपकी ट्यूनिंग मैटर करती है, आप किस तरीके से, आपकी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वो हर एक चीज़ मैटर करती है। ऑडियो नोट के थ्रू आप बात करो। और मैं आपको बोलूँ आपको पैसेज बना के नहीं भेजना है, आपको मेंशन करना है कोई लड़का है, जैसे लेट सपोज कोई राम नाम का लड़का है, आप उसको बोलो हेलो राम आपसे कुछ पूछना था बड़ी ठीक है, इस तरीके से हेलो राम भाई आपसे कुछ पूछना था। भाई वर्ड, बहन वर्ड, ये वर्ड पता है एक कनेक्शन बिल्ड करता है। तो इस तरीके से आप मैसेज करो, मैं श्योरिटी देती हूँ। मैंने खुद ने इसी तरीके से डीएम्स करे हैं बट मैंने लोकल ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट किया है। थ्रू दीज स्टेप्स यू कैन जनरेट क्वालिटी लीड्स, अगर जंक भी होगी ना वो भी क्वालिटी लीड में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि मैंने चीज़ों को फॉलो किया है। तो इस तरीके से आप क्वालिटी लीड्स थ्रू डीएम मार्केटिंग जनरेट कर सकते हो, हर कोई आपको डीएम का रिप्लाई करेगा। और हाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो और कन्वर्जन नहीं निकल रहा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको मेरा नंबर मिलेगा, यहाँ पे आप लाइव फीडबैक चेकआउट करिए जिन्होंने मेरे से सपोर्ट लिया है, गाइडेंस लिए है, उनका क्या कहना है ठीक है। यहाँ पे आपको लाइव फीडबैक शो हो रहे होंगे। सो अगर आप भी मेरे से सपोर्ट चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, इंस्टा आईडी जाके चेकआउट कर लेना, हाईलाइट जाके चेकआउट कर लेना। सो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट में जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा। लव यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।